दोषी है लापता सबसे आई माधवी लता। अरे असदुद्दीन अकबरुद्दीन जैसे लोगों को तो मुंह बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से कितने भी हम योजना लेके आए वो आम जनता के अंदर विष डाल रहे हैं बंदा। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने से पहले वो पूजा करने के लिए मंदिर गईं और शंखनाद कर दिया। हैदराबाद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता के बीच मुकाबला है। माधवी लता ओवैसी पर लगातार हमलावर हैं। आज अपना नामांकन दाखिल करने से पहले माधवी लता ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी खुद की कौम को बर्बादी की ओर ले जाते हुए एक बार भी नहीं सोचते। उन्होंने ओवैसी से सवाल पूछते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अब तक जो योजना लाए हैं क्या उन पर हिंदू मुसलमान लिखा है। माधवी ने कहा कि ओवैसी समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कभी इन्होंने मुसलमान गरीब पसमंदा बच्चों को पढ़ाई लिखाई देते हुए उनको बड़े करते हुए देखा आपने कहीं? जहाँ यहाँ के मुसलमान गरीब है ऊपर से ये बाहर से मुसलमान आने की जो ख्वाहिश रखते हैं, तब ये लोग इस प्रकार का गलत सोच विचार लोगों के अंदर घुसते हैं, डालते हैं इसके अंदर। तो प्रधानमंत्री को तो इस देश की चिंता होती है ना, तो उन्हें क्या करें? मगर एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया नहीं लगता आपको? जब असदुद्दीन खुद के कौम को बर्बादी के ऊपर लेके जाते हुए ये एक बार भी नहीं सोचे कि प्रधानमंत्री जी जो इतने योजनाएं लेके आए हैं, बताइए कौन से योजना पर हिंदू मुसलमान लिखा हुआ है? बताइए, दो टर्म से प्रधानमंत्री सबको साथ लेके निकल रहे हैं। अरे असदुद्दीन अकबरुद्दीन जैसे लोगों को तो मुंह बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से कितने भी हम योजना लेके आए वो आम जनता के अंदर विष डाल रहे हैं बंदा, विष घोट रहा है। बता दें कि हैदराबाद में 13 मई को वोटिंग होनी है। हैदराबाद लंबे समय से AIMIM का गढ़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी 2004 से अब तक 4 बार इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं। उनसे पहले उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने 1984 से 2004 के बीच लगातार 6 बार लोकसभा में हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया था। अब देखना होगा कि हैदराबाद में ओवैसी की फिर से जीत होती है या फिर माधवी लता जीत का परचम लहराती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।